Warren Buffett said that I do not invest in anything I do not understand. Hi guys, Abhishek here from Engulfing Bull and आज हम बात कर रहे हैं उस सीरीज का जो हम बना रहे हैं जिसका नाम है Fly Financial Literacy for the Youth और यहाँ पे आज हम उन चीजों की बात करेंगे उन टर्मिनोलॉजीज की बात करेंगे जो हमारे फाइनेंशियल मार्केट या स्टॉक मार्केट्स में बहुत कॉमनली यूज होते हैं. राइट सो लेट स्टार्ट विथ द फर्स्ट टर्म एन एस सी एंड बी एस सी एन एस सी इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बी एस सी इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बोथ ऑफ दीज एक्सचेंजेस आर द मेन एक्सचेंजेस ऑफ आवर कंट्री ये एक्सचेंज यह ख्याल रखता है कि अच्छे से बायर और सेलर को एक प्लेटफॉर्म मिले जहां पर स्टॉक्स बाय और स्टॉक सेल हो द सेकेंड टर्म इज ब्रोकर स्टॉक ब्रोकर स्टॉक ब्रोकर इज अनदर इंटरमीडियरी जिसके मदद से हम एक्सचेंज में स्टॉक्स बाय एंड सेल कर सकते हैं आप स्टॉक्स डायरेक्टली एक्सचेंज में बाय सेल नहीं कर सकते इसीलिए स्टॉक ब्रोकर की जरूरत है जो ये फैसिलिटेट करता है कि बाइंग सेलिंग स्टॉक्स ठीक से हो पाए थर्ड टर्म है डीमैट अकाउंट डीमैट अकाउंट एक बैंक की तरह है जो आपके स्टॉक्स को स्टोर करता है जो स्टॉक्स को रखता है जब भी आप कोई स्टॉक खरीदोगे वो स्टॉक आपके डीमैट अकाउंट में जाके क्रेडिट होता है और वहां पे सुरक्षित पड़ा रहता है फिर हमारे पास आता है ट्रेडिंग अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट अलग अलग चीजें होती है ट्रेडिंग अकाउंट वो अकाउंट होता है जहां पे आप बाइंग और सेलिंग एग्जीक्यूट करते हो जहां से आप बाय और सेल एग्जीक्यूट करते हो और डी अकाउंट वहां होता है जो वो एग्जीक्यूशन होता है उसका जो प्रोडक्ट है जो आपने खरीदा है वो आप डी अकाउंट पे स्टोर करते हो फोर्थ टर्म है हमारा सेंसेक्स निफ्टी एंड बैंक निफ्टी बैंक निफ्टी एक इंडेक्स है बैंकिंग स्टॉक्स का निफ्टी है निफ्टी फिफ्टी बोलते हैं निफ्टी फिफ्टी है टॉप फिफ्टी एनएससी व्हिच इज इंक्लूडेड इन दैट इंडेक्स एंड बीएससी टॉप थर्टी कंपनीज आर इंक्लूडेड इन सेंसेक्स थर्टी पांचवा टर्म है होल्डिंग पीरियड द होल्डिंग पीरियड इज द अमाउंट ऑफ टाइम यू होल्ड अ स्टॉक जितने दिनों तक आप वो स्टॉक होल्ड करते हो दैट इज योर होल्डिंग पीरियड सोचो हमने अप्रैल में बाय किया और दिसंबर तक या नेक्स्ट अप्रैल तक रखा तो वो एक साल का होल्डिंग पीरियड हो जाता है अगर हमने दिसंबर में खरीदा और नेक्स्ट दिसंबर तक रखा तो वो एक साल का होल्डिंग पीरियड हो जाता है सेवेंथ टर्म इज कॉल्ड बुल्स एंड बेर्स एवर वी से हमारे पास बायर्स पावर में है बायर्स इज इक्वल टू बुलिश और बुल्स सेलर्स आर इक्वल टू बेयर्स जब हम बोलते हैं कि मार्केट गिर रहा है या बेयर्स आर इन पावर तो हम ये बोलते हैं की सेलर्स आर इन पावर सो बेर्स आर इक्वल टू सेलर्स बायर्स आर इक्वल टू बुल्स हमारा आठवां टर्म है सेबी। सेबी इज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ये एक रेगुलेटरी बॉडी है जो सारे एक्सचेंजेस के ऊपर बैठा है और वो इसको ध्यान रखता है कि ये सारे बाइंग एंड सेलिंग सारे प्रैक्टिस जो हो रहे हैं सब अच्छे से हो एक फ्रेमवर्क में हो और यहाँ पे कोई भी गड़बड़ ना हो कोई भी मनी लॉन्ड्रिंग ना हो कोई भी फाइनेंशियल फ्रॉड ना हो ये सब सेबी के अंडर आता है नाइन्थ टर्म इज कॉल्ड लिक्विडिटी हम बोलते हैं स्टॉक लिक्विड है जब वहाँ पे बायर्स और सेलर्स दोनों ही अवेलेबल हैं वो स्टॉक इनलिक्विड होता है या उसमें लिक्विडिटी नहीं होती है जब जहां पे बायर्स तो हैं तो सेलर्स कम हैं या सेलर्स हैं तो बायर्स कम हैं इसका मतलब है कि जब हम ट्राई करते हैं uh, किसी पर्टिकुलर स्टॉक को बाय करने का लेकिन वहां पे सेलर मौजूद नहीं है उस प्राइस पे तो हम बोलते हैं कि वहां पे लिक्विडिटी नहीं है सिमिलरली जब हम स्टॉक को सेल करना चाहते हैं लेकिन वहां पे कोई बायर नहीं है उसको बाय करने के लिए और हम सेल नहीं कर पा रहे हैं तो हम बोलते हैं वो स्टॉक लिक्विड नहीं है एंड द लास्ट टर्म इज कॉल्ड द डिविडेंट डिविडेंट इज अ रिवॉर्ड गिवन बाय द कंपनी टू देयर शेयर होल्डर्स मेनली Taken out from profits. So ye kuch terms mujhe laga aapko zaruri hai jaana, And it is important that you understand these terms so that whenever you jump into the financial world, these are known to you. You're not confused. Alright, thank you very much. Till next video. Take care. I'll see you soon. Bye-bye.